हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज बारिश से बच बचा के मतलब हाँ कॉलेज से आया हूँ और अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 बजे के आसपास। तो समझ लेना लेट वीडियो भी आती है तो तुम्हें पता है क्यों आ रही है। अभी टाइम एग्जैक्ट बताऊँ तो 6:23 हो रहे हैं, तो वीडियो आएगी 8:30-9 बजे तक। तो इफ़ थोड़ी लेट है तो मैनेज कर लेना, बट आओ जल्दी से मूवी एक नई जो इस सीरीज में आएगी डे नंबर 7 या 8, जिसमें मैं रिव्यू कर रहा हूँ एक साउथ की पुरानी मूवी जो कल्ट क्लासिक होनी चाहिए बट नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त ने भेजी है, मेरे को भी इतनी ओवर द टॉप नहीं लगी। बट हाँ, ऐसा है कि अगर तुमने तेरे नाम देखी है और तुम्हें वो पसंद आई है तो यहाँ तुम्हारा थोड़ा वो होना चाहिए कि हाँ ये भी अच्छी मूवी है। तो मूवी का नाम है पिट्ठू मगन और इसमें दो साउथ के सबसे बड़े स्टार, जिसमें एक है चियान विक्रम और एक है सूर्य, रोलेक्स वाले सूर्य, उन लोगों ने एक्टिंग करी है। और चियान विक्रम को नहीं जानते, आई, अपरिचित, थंगलन जो आने वाली है और बहुत सारी मूवीज हैं यार उस बंदे ने बहुत सारा काम किया है, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा। अपरिचित देख लो यार, तुमने वो देखी ना। बस तो देखो, मूवी की शुरुआत डेफिनेटली अजीब होती है कि एक बच्चा होता है जो पैदा होता है शमशान घाट में और उसके बाद से वो अपना रहना खाना सब उसने वहीं किया है, तो उसे पता नहीं है कि बाहर की लाइफ क्या है। और वो पता नहीं इतना आइसोलेटेड है कि उसे भाषा भी नहीं आती, हिंदी ना कुछ, उसे बस वो गीत आते हैं जो वो किसी की मृत्यु के सामने गाता है और बस उसको जलाते हुए जब वो गीत गा रहा होता है वही गीत उसने सुने होते हैं बचपन से, वो उसे याद है और उसे कुछ नहीं आता। उसे बस बॉडीज जलानी आती हैं जो शमशान घाट में आती है और उनका क्रियाकर्म करना आता है, उससे ज़्यादा उसे कुछ पता ही नहीं है रियल लाइफ के बारे में। और जब उसका जो केयर टेकर या कह सकते हो गॉड फादर भी मर जाता है, जब वो असली दुनिया को बाहर निकल के देखता है तब पता चलता है कि जो आइसोलेशन है वो कितना ख़राब होता है इंसान के लिए। इतना ख़राब आइसोलेशन, मतलब वो 17 साल बाहर ही निकला, उसको पता ही नहीं है रियल लाइफ है क्या, ऐसा दिखाया गया मूवी में। आइडियली अब पॉसिबल नहीं है बट तब होगा शायद। तो वो जब ऐसा बाहर निकलता तो उसे एक तो लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर, और उससे कोई भी बकवास बोल करता है तो वो तोड़ देता है। और मूवी में है सूर्य, दी सट्टेबाज। शुरुआत की मूवीज़ में ऐसे ही रोल्स मिलते हैं, तुम्हें क्या लग रहा था अच्छे रोल्स मिलेंगे हैं? रोलेक्स बनने के लिए पहले तुम्हें उस सोने को पिघलाना पड़ता है, वो वहाँ पिघल रहा था ठीक है, अब जाके रोलेक्स बन पाए। और मूवी में सोचो अभी को प्रिडिक्ट कर दिया गया तेल स्कैम का जो मेन कल्प्रिट है, जो अडेप्टेशन अभी लोगों ने ले रखी है तेल बेच रहे, वो असली तेल स्कैम चालू ही यहाँ से हुआ। अब मेरे को समझ आया ये लोग क्यों कह रहे हैं कि कल्ट है, क्योंकि कल्ट यहाँ से ही फॉलो हुआ है। लोग कल्ट जो बना रहे हैं ना तेल बेचेंगे यहाँ से, आदिवासी तेल नो, सूर्य तेल यस। और मूवी में कुछ चीज़ें इतनी अनअपोलोजेटिकली करी गई हैं ना, जो तुम अभी के वर्ल्ड के हिसाब से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये क्या है। और जो फेमिनिस्ट लोग हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड होने वाले हैं, तो तुम मैं कहता हूँ मत ही देखो, क्यों अपने आप को दुख दर्द दे रहे हो, समझ रहे हो, मतलब होगा तुम्हें दर्द, क्योंकि है ऐसी चीज़ें उन लोगों ने कर रखी है, उन्हें नहीं मतलब कि क्या हो रखा है। उसमें दो सीन तो एक तो पूरी कन्वर्सेशन ऐसी है कि तुम सुन लोगे ना, वो जेल वाली कन्वर्सेशन सुन लोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे भाई ये क्या ही बोल दिए, अभी की लाइफ में कोई बोल दे तो उसको जेल से बाहर निकाल के फिर मारें फिर वापस डालें ऐसा। और इस मूवी में रियलिटी बहुत अच्छे से दिखाई गई है, जेल की हो या जेल लाइफ की हो, जैसे तुम्हें लगता है कि कॉन्सिक्वेंस करने के बाद तुम जब जेल में जाओगे तो थोड़ा ठीक ठाक माहौल होगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही तुमसे छठे हुए बदमाश आते हैं तो तुम्हें भी छाट देंगे ऊपर से नीचे से हर जगह से और पीछे से, समझ रहे हो। तो कोशिश करोगे तुम उस लाइफ में कभी ना जाओ, पर भगवान करे कि तुम, मैं, मेरे सब्सक्राइबर सारे कभी उस जगह ना जाए, क्योंकि हमें ऐसा नहीं फंसना भाई, ऐसा भी नहीं फंसना कि वहाँ जाना पड़े। देख रहा बारिश आ गई, इतनी बढ़िया बात बोल रहा हूँ। तो मूवी में चियान विक्रम के कैरेक्टर को बिल्कुल ही इमोशनलेस दिखाया, बट जब जेल में सूर्य की कैरेक्टर की पिटाई हो रही होती है फ्रॉम दी जेलर, तब जो रुद्र है उसको बहुत फील हो रहा होता है, उसको बुरा लग रहा होता है कि ये मेरी वजह से हुआ सब। और फिर मूवी में एक फ्रेंडशिप स्टेब्लिश करी जाती है सूर्य और चियान विक्रम के कैरेक्टर्स के बीच में, और जो कि ब्यूटीफुल लगता है देखने में कि एक बंदा आइसोलेटेड, उसे बोलना नहीं आ रहा, उसके लिए कोई और खड़ा है और उसकी बातों को समझा रहा है लोगों को और लड़ रहा है उसके लिए। देखो लोकेशंस बहुत अच्छी हैं और जो क्लाइमेक्स से पहले प्यार बॉन्ड बनाते हुए दिखाया है वो बहुत अच्छा लगता है। और मूवी में मेटाफोरिकली कहा जाता है कि एक मौत हुई थी तब वो अपने घर जो कि शमशान घाट था उसमें से बाहर निकलता है, और दूसरी मौत होती है फिर वो वापस वहीं चला जाता है उसी अंधेरे में गायब होने, क्योंकि शायद से वही अंधेरा उसका सच है। मूवी की जो फेबुलस एक्टिंग है कैरेक्टर्स की वो मुझे पसंद आई, चियान विक्रम की एक्टिंग मुझे ज़्यादा पसंद आई सूर्य से भी ज़्यादा, और सूर्य के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ही मिसोजिनिस्ट रोल दिया गया था। और मूवी में मेटाफोरिकली चीज़ें कही जाती है कि जब
आखिर में रुद्रा मारने जाता है और अपना शक्ति को वापस मांगने जाता है कि मेरी शक्ति मुझे वापस कर। तो ऐसा लगता है कि वो शिव शक्ति की बात हो रही है। मुझे पता है मैं ज़्यादा मेटाफोरिकली चला जाता हूँ चीज़ों में, बट शिव अपनी शक्ति को मांग रहे हैं उसी इंटेंसिटी से कि मुझे वापस चाहिए वो, समझ रहे हो। तो वो लास्ट सीक्वेंस में उस इंटेंसिटी पे खेलते हैं, इसलिए मूवी मेरे हिसाब से अच्छी है। ए वन टाइम वॉच है, तुम्हें यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी, इसलिए मैंने इसको रिव्यू करना ज़रूरी समझा। नहीं तो मैं ब्लर को रिव्यू कर सकता था जो तापसी पन्नू की मूवी है, बट उसकी रेटिंग इससे भी नीचे होंगी मुझे ऐसा लगता है। और वो इतनी कुछ खास नहीं है, उससे अच्छा मैं उसकी ओरिजिनल जो मूवी है सोफियास आए करके उसको रिव्यू करूँगा। तो हाँ, कल तो तापसी की अगली मूवी जो है फिर आई हसीन दुलरुबा उसका रिव्यू आएगा। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नज़रों से दुरुस्त रहना। मैं आऊँगा एक और नई वीडियो के रिव्यू के साथ, जो कि शायद से गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, क्या पता क्या हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मजे करो, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए ज़्यादा बात नहीं करी होगी, बट हाँ मूवी अच्छी है, तुम देख सकते हो। तो ये एक टाइप की थ्रिलर मूवी है, ए वन टाइम वॉच तो आई, तो जाओ यूट्यूब पे खोजबीन करो और मिल जाएगी। बाय बाय।